हेलो एवरीवन, मैं रमाकांत अग्रवाल। आज हम मैट्रिक्स के जो चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में हम इसको कहेंगे मैट्रिक्स का प्रतिलोम। इसका जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए टू दी पावर -1 इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो ए टू दी पावर -1 जो है तो -1 को इनवर्स कहा जाता है। और ए आप जानते हो कि ए जो है वो एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं और हिंदी में इसको हम बोलेंगे प्रतिलोम, है ना। और इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब इसमें जो एडजॉइंट है उसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, आप सबने उसको देखा होगा, तो ये तो आपका पूरा क्लियर है। जो नीचे की टर्म है डिटर्मिनेंट है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं आगे बताने वाला हूँ। और साइड में हमने ये लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ इसका कि डिटर्मिनेंट ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है, अपन मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो आप देखिए कि अगर यहाँ की वैल्यू 0 होगी तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो नॉट डिफाइन होगा, मतलब हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कंडीशन है कि आप इनवर्स इनवर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 नहीं है तो ही हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज हमें आगे नहीं बढ़ना है, इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करो, इस तरह से इसका हिंदी बनेगा। और ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम इसको किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर ए से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, कन्वीनियंट रहेगा, तो मैंने इसको ए से डिनोट किया। 1 2 3 देन 2 4 5 एंड फाइनली 3 5 6, दिस इज द मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। अब क्वेश्चन तो क्लियर है ही, आपको ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा है कि इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स का फॉर्मूला उसके ऊपर लिखा हुआ है, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हम सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं ए टू दी पावर -1, ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ये हमने फॉर्मूला लिखा और इसको हम थोड़ी देर के लिए एक इक्वेशन देख के यहीं पे रोक देते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इनवर्स निकालना है तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू जैसे ऊपर आपको दिख रहा था कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हिंदी में जो ये डिटर्मिनेंट मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसका हिंदी में नाम होता है सारणिक। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं इसको सारणिक पढ़ेंगे, है ना, तो और इंग्लिश में इसका नाम है डिटर्मिनेंट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे ए लिखा और ये डिटर्मिनेंट का साइन बनाया, सेम इसकी वैल्यू के साथ करेंगे। ए मतलब आपको दिख रहा है 1 2 3 फर्स्ट रो, 2 4 5 सेकेंड रो हो गया, और 3 3 5 6 थर्ड रो। अब इसको आपको मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट से कवर नहीं करना, नहीं तो फिर ये मैट्रिक्स बनेगा। हमने तो बात की डिटर्मिनेंट की, तो हमको इसको सीधा वर्टिकल लाइन से कवर करना है, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, सारणिक हो जाएगा, है ना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने की वैसे तो कई सारी प्रोसेस है। हम जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, फिर ये कॉलम्स हैं, ये सब आपको मालूम है, तो हम इसको कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन हम इसको डायगोनल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना इसको डिटेल में नहीं जाते हुए केवल इसको फर्स्ट रो से सॉल्व करना सीखेंगे, और आपको जनरली फर्स्ट रो से ही करना पड़ता है क्वेश्चन को। तो अभी हम केवल इसी के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट रो से सॉल्व कैसे होता है, तो उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो फर्स्ट रो है आपको दिख रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये मैंने 1 को लिखा। इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो 1 है ये जिस रो में है, जैसे 1 2 3 इसकी फर्स्ट रो है, और ये जिस कॉलम में, उसको डिलीट कर देना है। तो ये रो को हटा देंगे, कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा 4 5 5 6। तो ये मैंने एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाया, 4 5 5 6। छोटा डिटर्मिनेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एलिमेंट केवल 4 है और इधर 9 थे, तो कम हो गए। अब वापस हमें फर्स्ट रो पे चलना है, फर्स्ट रो में 1 के बाद, 1 तो हो गया, 1 के बाद 2, तो ये हमने 2 को लिया। अब वही सेम प्रोसेस है, तो 2 का हमको रो हटाना है, ये हमने रो हटा दिया और ये कॉलम हटा दिया, तो 2 5 3 6 उसको लिख देंगे उसी पैटर्न पे, 2 5 3 6। अब आप देख सकते हैं लास्ट एलिमेंट 3 है, तो ये हमने 3 को लिखा। सिमिलरली डिलीट द रो एंड कॉलम, डिलीट कर दो, इसको हटा दो, तो 2 4 3 5, 2 4 3 5।
तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो 3 बाई 3 का जो एक बड़ा डिटर्मिनेंट था उसको उसको छोटे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बीच में स्पेस खाली है इसको हम फिल करेंगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट रो है उसके साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, ये साइन होंगे। तो प्लस का मतलब तो कुछ चेंज करना नहीं है, माइनस सेकेंड पे लगेगा तो यहाँ हमको माइनस लगाना है और थर्ड पे फिर से प्लस लगाना है। तो अब यहाँ पे प्लस है ही, अंडरस्टूड है वो, प्लस फिर माइनस और ये प्लस, ये साइन आपको याद रखना है। अब हम इसको आगे, तो ये हमने इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। अब हमारे पास जो लिखा था पिछले पेज पे उसमें यहाँ पे 1 था, फिर आप देख सकते हैं कि इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम पिछले स्टेप पे देखते हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट बना हुआ है ये 2 बाई 2 का है। अब इसकी प्रोसेस ये होगी, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि हमको इस डायगोनल में से इस डायगोनल को माइनस करना है। तो 6 4 जा 24, तो ये 24 हुआ माइनस, फिर इस डायगोनल को देखेंगे तो 5 × 5 25 माइनस 25, फिर उसके बाद माइनस 2, फिर हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो 6 2 जा 12 और ये 3 5 जा 15, तो ये होगा 12 माइनस 15 प्लस जो लास्ट एलिमेंट है वो 3 है ना, और फिर इधर डायगोनल देखेंगे तो 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12, तो ये 3 और ये 10 माइनस 12। बस अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 1 24 माइनस 25 दैट इज -1, फिर -2, 12 माइनस 15 -3, प्लस 3 10 माइनस 12 -2। कंटिन्यू करेंगे इसी को तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1, दिस इज +6 एंड दिस इज -6, एंड +6 -6 दोनों कैंसिल होंगे और हमें मिलेगा -1। ये किसकी वैल्यू मिली हमें, डिटर्मिनेंट ए की जो हम सॉल्व कर रहे थे। अब मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट है 0 नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं -1 है मतलब ये 0 नहीं है। तो हमारा डिटर्मिनेंट का काम तो कंप्लीट हुआ। अब हम वापस एक बार फॉर्मूला देखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप देख सकते हैं फॉर्मूले में लिखा है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसमें से डिटर्मिनेंट वाला काम तो हम कर चुके हैं, अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पिछले वीडियो में मैंने पूरा एडजॉइंट आपको समझाया था, तो बिल्कुल उसी प्रोसेस से पूरा करना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे। एडजॉइंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले लिखा कोफैक्टर, ये आप पिछले वीडियो में पूरा देखेंगे मैंने सब समझा दिया है। ये कोफैक्टर लिखा सबसे पहले C11। अब ये C11 का क्या मतलब है ये आप एक बार रिपीट करेंगे देखेंगे। C11 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा C11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो ये 24 माइनस 25 दैट इज -1। फिर C12 मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए, तो ये मतलब 2 के लिए हटा देंगे तो ये 12 माइनस 15 दैट इज -3। देन C13 फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के लिए मतलब 3 के लिए हटा देंगे तो ये 10 माइनस 12 दैट इज -2 अगेन। फिर हम आते हैं सेकेंड रो पे C21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो वो यहाँ पे 2 है, आप क्वेश्चन को देखें एक बार। तो ये हमने रो और कॉलम को फिर हटाया तो ये 12 माइनस 15 दैट इज -3। देन C22 फिर क्वेश्चन को चेक करेंगे, C22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, 4 के लिए रो कॉलम हटाएंगे तो 6 माइनस 9 दैट इज -3, और इसका जो लास्ट है वो C23। तो C23 देख लेते हैं हम क्या होगा, 5 के लिए होगा, तो रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे तो ये 5 और -6 3 2 जा 6 तो 5 माइनस 6 -1, तो ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम थर्ड रो पे जो कि हमारी लास्ट रो होगी C31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, चेक करेंगे क्वेश्चन में तो ये 3 के लिए करेंगे तो इसको हटा देते हैं रो कॉलम में तो 10 माइनस 12 दैट इज -2। देन C32 तो C32 थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो 5 के लिए रो कॉलम हटा देंगे तो 5 माइनस 6 दैट इज -1, और लास्ट इसका होगा C33। तो उसको हम देख लेते हैं, 6 के लिए करना है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0। अब अगर आपको पिछली वीडियो का थोड़ा सा याद हो तो मैंने बताया था आपको कि कोफैक्टर लेने के बाद हमें उनके साइन चेंज करना है, तो आप उस हिसाब से साइन चेंज करेंगे। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और एक ये पॉजिटिव होगा, इन चार प्लेसेस पे हमको साइन चेंज करना होते हैं। ये सब बातें हमारी हो चुकी है। अब हम इसको उठा के एज इट इज एक मैट्रिक्स में पुट करेंगे जिसको हम सी बोलते हैं। तो पहली रो है -1 3 -2, सेकेंड है 3 -3 +1, और इसके बाद थर्ड रो है -2
प्लस वन एन जीरो, ये हमने सी तैयार किया। अब एडजॉइंट का फॉर्मूला भी हमारा डिस्कस किया हुआ है, तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है सी डैश। सी डैश का मतलब था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए हमने बात की थी कि रो को कॉलम में चेंज करना है, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, एंड सेम फॉर द थर्ड, माइनस टू वन एंड जीरो। तो ये हमें एडजॉइंट ही मिलता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो इनवर्स का है। तो अब हम इसमें, तो हमने इनवर्स का फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में देखा था, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो उसको मैं लिख देता हूँ। अब इसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यू करो, इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये मैंने अब एडजॉइंट ए की वैल्यू में पुट करने वाला हूँ, वैल्यू एज इट इज जो अभी कैलकुलेट की थी उसको रख दिया है, माइनस वन थ्री माइनस टू वन जीरो, ये मैंने एडजॉइंट को पुट किया। और अभी हमने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट को भी कैलकुलेट किया था, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी वो हमें माइनस वन मिली थी। एक बार हम देख लेते हैं, तो ये हमने डिटर्मिनेंट को पुट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू जहाँ रखना थी हमने रख दी है। अब आप जानते हैं कि वन का, वन से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन माइनस से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि इन सबके अब साइन चेंज होंगे। तो सारे एलिमेंट में हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं या साइन चेंज कर देते हैं, तो नेगेटिव वन पॉजिटिव वन होगा, फिर थ्री नेगेटिव होगा, टू पॉजिटिव होगा, थ्री नेगेटिव होगा, ये थ्री पॉजिटिव होगा, वन नेगेटिव होगा, ये प्लस टू होगा, ये माइनस वन होगा, और जीरो में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो ये माइनस का डिवाइड हो गया। अब ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, ए इनवर्स की। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स का इनवर्स मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और उसके बाद एडजॉइंट बिल्कुल जो पिछले वीडियो में समझाया था वैसा ही करना है, बस उन दोनों को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें इनवर्स मिलेगा। थैंक यू।